आज़म दस्तगीर उनका मांगता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम सूबा सिंध के एक मशहूर बुजुर्ग हजरत इल्म अली शाह जीलानी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर जा रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गडाब टाउन का मेन रोड है और यहाँ से आगे हजरत इल्म अली शाह जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ है। देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं हो। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हैं। ये सफारी पाम विलेज है। यहाँ पर हमारे दोस्त मुनीर कादरी होते हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से इनसे गुफ्तगु करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह मज़ार शरीफ की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो नूरानी दरबार है हजरत इल्म अली शाह जीलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह का। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ नाचीज को बचपन में हजरत की ज्यारत हुई जब आप रहमतुल्लाही ताला अलैह जाहिरी हयात से मुत्तसिब थे और आप रोशन जमीर और साहिब हाल बुजुर्ग थे। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बहुत सारी करामतों से नवाजा और आप सैयद घराने के चश्मो चिराग हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके सदक़े से हम गुनाहगारों की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा। अपने तेरे सदा मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अल्लाह तबारक व ताला हजरत की मजार अकदस पर अपनी करोड़ों रहमत और रिजवान की बारिशें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।